ये कपड़ा त्याग और बैराग का प्रतीक है, उसी त्याग बैराग को बढ़ाना है, कल्याण उसी से होगा। मठों में रहते हैं तो ये सत्संग के लिए, साधना के लिए है, और रहते हैं तो व्यवस्था भी करनी पड़ती है, देखभाल भी करना पड़ता है, ये व्यवहार है, मजबूरी है। न मठ में भूलना है, न पूजा प्रतिष्ठा में भूलना है, और न कहीं भूलना है। भूले फिर गए, श्री विशाल साहब बताते थे, अब हम लोगों से उतनी बात तो होती नहीं थी गुरुदेव जी से या न संतों से। गुरुदेव जी ने लिखा है, विशाल विभूति में भी लिखा है, श्री प्रेम साहब ने भी जो लिखा है उसमें, कि जब श्री विशाल साहब का साधु वेश हुआ श्री रघुवर साहब से, तो उस समय श्री रघुवर साहब ने श्री विशाल साहब से कहा था, देखो आज तुम्हारा साधु वेश हो रहा है, साधु हो रहे हो। तो उन्होंने, श्री रघुवर साहब ने कहा था, सिंह का बच्चा सिंह ही होता है, गिदड़ नहीं होता। कहीं भूलना मत, न बैदाई नौताई और किसी में भूलना मत। और श्री विशाल साहब ऐसा जिए, तो भाई साधु वेश एक सिंह का रहनी। श्री विशाल सद्गुरु कबीर ने क्या कहा है, सती लहर घड़ी एक है, सुर लहर घड़ी चार, साधु लहर है जन्म भर मरे विचार विचार। मरना इस साधु का वेश, मरने का वेश है। श्री विशाल साहब ने ही सद्गुण शतक में जो कहा है, मृतक चिन्ह सो जानिए गुरु कफनी कौपिन, चिता भूमि से ना डिगे जो जग मृत्यु लैलीन। वहां देह तरी जीव चला, यहां जगत मन त्याग, सबसे रहे उदास हो मोक्ष पंथ मिला। ये साधु का वेश क्या है, मृतक का चिन्ह है, मरने का चिन्ह। जैसे जब आदमी मर जाता है, जी शरीर छोड़कर निकल जाता है, शरीर मुर्दा हो जाता है, तो कफन ओढ़ाया जाता है बिना धोए सफेद कपड़ा। साधु वेश होने पर ही बिना धोए सफेद कपड़ा दिया जाता है, कफन है। बहुत पुरानी बात है, जब हम लोग यहाँ प्रीतम नगर में रहते थे, कबीर नगर में बना नहीं था, तो जाते थे घूमने के लिए। तो एक दिन गुरुदेव जी अकेले निकल चले गए, सब लोग आराम कर रहे थे, एक छड़ी लिए और निकल गए अकेले जा रहे थे। बहुत तभी से कॉलोनी उनी बनी नहीं थी, बहुत गांव तो था। तब गुरुदेव जी जब इसे जा रहे सफेद कपड़ा माने, तो उधर से कुछ युवक आ रहे थे, तो युवकों ने देख कर कहा, अब बाबा को कफन की जरूरत नहीं, पहले से पहन लिए हैं। तो भाई ये कपड़ा कफन का चिन्ह है, ये मृत चिन्ह, गुरु कफनी कौपिन, चिता भूमि से ना डिगे जो जग मृत्यु लैन। मुर्दा जब हो जाता है तो चितम जलाया जाता है, तो मुर्दा भागता नहीं, अरे मेरे हाथ जल रहे हैं, मेरे पैर जल रहे हैं, मैं मर जाऊंगा, वो तो अडिग पड़ा रहता है चित। ऐसे ही अडिग रहना है, किससे, संसार के मोह माया से दूर, त्याग बैराग में अटल। वहां दे तो जीव चला, यहां जगत मन त्याग। वहां मुर्दा हो गया तो जीव शरीर छोड़कर चला गया, यहां क्या करना है, मन से जगत का त्याग। शरीर से, शरीर ही जगत है, इसको नहीं छोड़ सकते। मन से जगत का त्याग मतलब सबके आसक्ति का त्याग, बाहर इंद्र जो संसार है, संसार प्राणी पदार्थ है, अंदर विषयों की आसक्ति है, इनका जो त्याग है यही मरना है। सबसे रहे उदास में मोक्ष पंथ में, सबसे उदास निष्काम निर्मोह निर्लोभ निष्प्रिय होकर के मोक्ष पंथ में लगना, ये साधु का काम है। साधु का काम है अपना कल्याण करना और संसार के सामने एक अच्छा आदर्श स्थापित करना। साधुओं से लोगों को बड़ी आशा होती है, और साधु ही गड़बड़ करने लग जाए तब लोगों का तो दिल टूट जाए। एक कोई गृहस्थ गड़बड़ करता है तो उसका उतना दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन साधु से सैकड़ों हजारों लोग जुड़े होते हैं,
एक साधु गड़बड़ करता है ना तो सैकड़ों हजारों भक्तों की श्रद्धा को तोड़ता है, वह उनकी श्रद्धा को ठेस लगती है, तो महापाप होता है यदि हम कहीं गड़बड़ी करते हैं आचरण में, व्यवहार में या किसी प्रकार से, तो अनेक लोगों की श्रद्धा तोड़ देते हैं। उस दिन मैंने कहा था कल कि भक्त लोग हमें जो पूजा आदि देते हैं, रुपये पैसे कपड़े, इस सेवा के लिए देते हैं। व्यक्तिगत जमा करने की प्रवृत्ति साधु में नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्तिगत नाम से बहुत पैसा जमा करते हैं तो साधुता ताक पर चली जाती। फिर जो जमा हो, अब आश्रम है तो आश्रम में जमा करना पड़ता है क्योंकि बहुत से लोग रहते हैं, किसकी आवश्यकता, आए हुए भगत होते हैं। भक्त व्यक्तिगत नाम से क्यों जमा करें, आश्रम के नाम पर जमे हो तो सामूहिक है। अब थोड़ा बहुत 10-20 हज़ार रुपया आज के जमाने में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संग्रह लोभ की प्रवृत्ति ना हो, मांगने की प्रवृत्ति ना हो। बिना मांगे हम लोग यहाँ प्रीतम नगर में रहते थे, उसमें कुछ भी नहीं रहता था हमारे पास, सप्ताह भर का भी राशन हमारे पास नहीं रहता था उस समय, कभी कभी तो 2-3 दिन का ही राशन रह जाता था। तो गुरुदेव जी कहते थे तुम्हें किसी के यहाँ मांगना नहीं है, भले भूखो मर, लेकिन मांगने से बैराग करने के लिए आया हो, मांगने के लिए नहीं आया। अब मांगना है नहीं, अब मांगना भी हो कभी तो साहब ने क्या कहा, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमार्थ के कारण मोहिना, परमार्थ सेवा के लिए कहीं मांगना हो, लोगों की सेवा के लिए, सुविधा के लिए, तो वो बात अलग, लेकिन व्यक्तिगत संग्रह की भावना नहीं होनी चाहिए। जहां आश्रम में है परस्पर मेल मिलाप का भाव हो, 3 लोग यहाँ रहते हैं, लखन है, उमेंद्र है और रामलाल है, 3 परस्पर मिलजुल करके रहे, और भी लोग रहते हैं, कहीं जाना हो तो पहले से बता दे अमुक जगह जाने का कार्यक्रम बन रहा है, फिर परस्पर विचार कर लें। तो इस प्रकार से जब रहेंगे आश्रम में मिलजुल कर रहेंगे, सुबह शाम सत्संग पाठ कथा का जो नियम होना चाहिए वो जब चलता रहेगा तो भक्तों को एक आदर्श मिलेगा। अब कुछ भी नहीं है तो भगत लोग फिर आएंगे क्यों यहाँ पर, तो ध्यान चिंतन सत्संग स्वाध्याय साधना का क्रम ये चलाते रहना होगा। उसी के लिए मठ बनता है, इसके लिए आश्रम होते हैं, ये भी हो। और बाकी बातें सब संगुजन रोज बताते हैं, पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा है, सदग्रंथों में, उन्हें पढ़ते रहना है, सत्संग चर्चा करते रहना है, सुनना भी है, प्रेरणा लेते भी रहना है, और धीरे धीरे फिर अपने कल्याण आगे में ईमानदारी हो और निश्चलता हो तो हम साधना मार्ग में चल सकते हैं। विनम्रता, साधु में अहंकार आया कि मैं साधु हूं तो फिर वो गड़बड़ी है। कोई हमें साधु बनने के लिए थोड़े कहा है, अपनी गरज से हम साधु बने हैं तो इसका क्या अहंकार करें। अपने दुख निवृत्ति के लिए हम साधना का काम कर रहे हैं, लोग बड़ा मानते हैं माने, लेकिन हमारे भीतर अहंकार नहीं होना चाहिए, विनम्रता सहजता सरलता होने चाहिए। ये सारी बातें हैं सब जानते ही हो, थोड़ा सा ये प्रसंग इसलिए कह दिया। मन अध्ययन मनन स्वाध्याय साधना का काम चलते रहना चाहिए, इसी में हमारा कल्याण होगा। ये माइक हटा दो भाई, अब कपड़ा ले आओ।
हेलो सदगुरु विशाल देव का ये मार्मिक पद है हम सब बैरागी के लिए। करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग तेहि दुख को तुम सुख ही विचारो, तेहि दुख को तुम सुख ही विचारो। हो विराग जौन विधि बनता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग परम विराग मन ही बस करके, परम विराग मन ही बस करके। कठोर विषय नहीं लसता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग तन सुख चाहो न मन बस भरमो, तन सुख चाहो न मन बस भरमो, भय बस कबहु न निज हित तजता, करो विराग धरो मन दृढ़ता। हो विराग बेग न होए सो सहो काज लखी, बेग न होए सो सहो काज लखी, परो न फंद जगत जीव छलता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग है सब भूल विवश मन गरजी, है सब भूल विवश मन गरजी, धर्म अधर्म ज्ञान नहीं जनता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग है कोई अपन तुम्हारन जग में, है कोई अपन तुम्हारन जग में, तेहि ते सजग चलहु मग लखता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग राग तजन पुरुषार्थ करो तुम, प्रारब्ध भोग में दुख सुख टलता, करो विराग धरो मन दृढ़ता, करो विराग छोड़े कुकर्तव्य भय नहीं काल, निर्भय काज करो तुम सतता, करो विराग धरो मन दृढ़ता। हो विराग दुख सुख कर्म निज ही से होवै, दुख सुख कर्म निज ही से होवै, और न जीवन जड़ कोई लगता, करो विराग धरो मन दृढ़ता,
ते अभय स्वतंत्र सहज निज या ते अभय स्वतंत्र सहज निज करो समर अज्ञान से हटता करो विराग धरो मन धीरता करो विराग काल अज्ञान समर रण जीतो काल अज्ञान समर रण जीतो सब बल लाए आसक्ति को बंधता करो विराग धरो मन दृढ़ता करो विराग छूट जाए सब फिक्र परिश्रम छूट जाए सब फिक्र परिश्रम भय दुख बहुरे कबहु नहीं मिलता करो विराग धरो मन दृढ़ता करो विराग राग द्वेष परतंत्र से छूटे राग द्वेष परतंत्र से छूटे स्वतंत्र स्वरूप आप तलहता करो विराग धरो मन करो विराग जन्म मरण दुख खानी न बिनस जन्म मरण दुख खानी न बिनस अचल अमर पद फलता करो विराग धरो मन दृढ़ता करो विराग सदगुरु अब लास्ट साहब का एक पद नहीं दूसरा यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा हटाना पड़ेगा यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा हटाना पड़ेगा सुखासा यहंता हृदय से मिटा कर सुखासा यहंता हृदय से मिटा कर गुरु भक्ति में मन लगाना पड़ेगा लगाना पड़ेगा यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा हटाना पड़ेगा रहे आज तक तो गुरु से विमुख हो रहे आज तक तो गुरु से विमुख हो मगर मन गुरु को चढ़ाना पड़ेगा चढ़ाना पड़ेगा यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा
हटाना पड़ेगा। हृदय राग वो देश ईर्ष्या जलन को, हृदय राग वो देश ईर्ष्या जलन को, वो चंचल चपल सब जलाना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। सदा दृष्टि पारख प्रबल एक धारा, उस जग वीरताई लहाना पड़ेगा, लहाना पड़ेगा। अमर स्थिति नित अभिलाष होवे, अमर स्थिति नित अभिलाष होवे, कभी दे हमें फिर ना आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो, सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। गुरुदेव सद्गुरु मुक्ति दाता तेहि धूपदि पहले पूजिए, भाल चंदन पुष्प चरण शरण लीजिए।
खोलत भरम की
वारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी, जिन दर्श सुख दियो दया करी, जिन दर्श सुख दियो दया करी, आवागमन निवारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार, गुरु चरणों में मन को लगाए जाएंगे, गुरु चरणों में मन को लगाए जाएंगे, ज्योति जीवन के जग में जलाए जाएंगे, गुरु चरणों में मन को लगाए जाएंगे, ज्योति जीवन के जग में जलाए जाएंगे, हजार बार कृपा कर से करार हुआ, मगर उसका न भजन दिल से एक बार हुआ, हजार बार कृपा कर से करार हुआ, मगर उसका न भजन दिल से एक बार हुआ, ती हो गुरु आरती हो आरती करी बलिवाज, साहेब आरती हो आरती दीन दयाल, साहेब आरती हो ज्ञान टूटी गयो यम जाल, सा
दियो आरती गरी परिवाज साहेब आरती हो साहेब कबीर संतन की कृपा से साहेब कबीर संतन की कृपा से तस्मै सद्गुरुवे नमः ध्यान मूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदं मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा गुरुदेवो गुरुधर्मो गुरुनिष्ठा परं तप गुरु परतरं नास्तिक नास्तिक तत्त्वं गुरु परम बंदौ सन्मुख पारखी शीश भेंट धरिहा वचन उचारौ बंदगी सत्य प्रेम के साहेब बंदगी साहेब बंदगी सा बोलिए सद्गुरुदेव की जय संत समाज की जय साहेब साधु वेश होने पर नाम बदल दिया जाता है, कहीं कहीं नाम नहीं बदलता है, पुराना नाम ही चालू रह जाता है। हमारे यहाँ गुरुदेव जी ने जो नाम बदला तो किसी किसी को के नाम को छोड़ करके सबके नाम में अंतिम में इंद्र लगाने का एक प्रचलन है। गुरुदेव ने लगाया है, प्रचलन तो क्या कहें, तो उसी पर पार्टी को भी हम चला रहे हैं। तो नाम बदलने में लखन प्रायः मैंने जिस नाम से उनका पुराना नाम चलता रहा जिस अक्षर से उसी अक्षर से शुरू करता था, तो लखन का नाम लक्षेंद्र दास लखन से लक्षेंद्र दास रामलाल है तो उनका नाम वही रहेगा लेकिन रामेंद्र दास उमेंद्र का उमेंद्र दास बस तो लखन का लक्षेंद्र
रामलाल का रामेंद्र दास और उमेंद्र का उमेंद्र दास, ये नाम है। देव की जय।